आई एव यू वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू आल आर डूइंग वेल इफ यू आ न्यू हेर माई नेम इज अंमा दूबे आई मेक वीडियोज ऑन स्किन केयर हेयर केयर मेकअप फैशन एंड लाइफ स्टाइल सो आई एम बैक विद अनदर रिव्यू वीडियो एंड टूडे आएम गोइंग टू रिव्यू अ स्किन केयर प्रोडक्ट और विच इज अंस्क्रीन फ्रॉम डॉक्टर सेक्स ये स्काइज तो जिस सनस्क्रीन के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ इसके बारे में ऑलरेडी मैं एक बार अपने चैनल पर बात कर चुकी हूँ पांच या छः महीने पहले एंड उस वीडियो में मैंने और भी प्रोडक्ट को रिव्यू किया था मतलब पूरी की पूरी रेंज ही मैंने रिव्यू की थी एंड तब से लेके मतलब छः या सात महीने से मैं इस सनस्क्रीन को ऑन एंड ऑफ रेगुलर बेसिस पर यूज़ कर रही हूँ अभी ये सनस्क्रीन खत्म होने वाली है तो मुझे लगा इसका एक डिटेल्ड डेडिकेटेड रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ताकि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाए इस रिव्यू से तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो में मैं इस सनस्क्रीन के बारे में सारी चीज़ें कवर करने वाली हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया है इसको यूज़ करते हुए सो विदाउट एनी फॉर द ड्यू लेट्स मूव ऑन टू वीडियो ऑल राइट काइज तो जिस सनस्क्रीन के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ वो है ये डॉक्टर सेट्स की केसर एंड कोजिक एसिड सनस्क्रीन जिसका प्राइस है फोन नाइन्टी नाइन रूपीज जिसमें आपको मिल जाएगी फिफ्टी ग्राम्स की क्वांटिटी एंड इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो टू ईयर्स की है ये आपको कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड की आउटर पैकेजिंग में रिसीव होगी और इसकी जो इनर पैकेजिंग है वो इस तरह की ट्यूब पैकेजिंग है सारी की सारी डिटेल्स आपको इसके आउटर पैकेजिंग एंड इसके इनर पैकेजिंग दोनों के बैक पर मिल जाएगी लाइक इसकी इन्ग्रीडियंट लिस्ट मैनुफैक्चरिंग डेट इसको कैसे यूज़ करना है एवरी बात करूं अगर मैं इसके मेन इंग्रेडिएंट की तो इसमें केसर एक्सट्रैक्ट है जिसमें एंटी इंफ्लमेटरी प्रॉपर्टीज होती है बहुत सारे लोगों की स्किन होती है जो बहुत जल्दी से इरीटेट हो जाती है तो उसको ये काम डाउन करने का काम होता है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सन के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उनकी स्किन में रेडनेस होने लगती है या इचिनेस होने लगती है तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करेगा अगर केसर है इसमें तो ये बहुत अच्छी चीज है कि सनस्किन में अगर केसर है तो आपकी स्किन को यह बहुत ही अच्छे से करेगा एंड काम करेगा ठीक है इसमें वन परसेंट कोजिक एसिड कॉम्प्लेक्स है जो कि अगर आपकी स्किन में डार्क स्पॉट है पिगमेंटेशन है हाइपो पिगमेंटेशन है अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा अनइवन दिखती है तो उसको ये रिड्यूस करेगा कोजिक एसिड का, का काम होता है आपकी स्किन में जब एक्सेस में मेलिनन प्रोडक्शन होने लगते हैं तो पिगमेंटेशन होने लगती है तो, तो कोजिक एसिड उसको जो है वो कम करता है जिसकी वजह से आपकी जो पिगमेंटेशन है वो भी धीरे धीरे फेड होने लगती है ठीक है एंड इसमें वन परसेंट नाया है अगेन ये भी डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन स्किन बहुत ज़्यादा अगर टैन हो गई है तो उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है प्लस अगर आपकी स्किन में एक्सेस में सीबम प्रोडक्शन हो रहा है बहुत ज़्यादा यू नो आपने देखा होगा फेस पे किसी किसी के स्वेटिंग वगैरह होने लगती है तो उसको ये कंट्रोल करता है एंड अगर आपके पोर्स वगैरह क्लॉग हो जाते हैं तो उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है ठीक है एंड ये जो सनस्क्रीन है ये मिनरल एंड ऑर्गेनिक फिल्टर वाली सनस्क्रीन है प्लस इसमें आपको एस पी प्लस के साथ पी ए टाइम प्लस की प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी ये जो सनस्क्रीन है ये आपको यू वी एंड यू वी बी दोनों ही रेज से प्रोटेक्ट करेगा प्लस ये आपको ब्लू लाइट से भी प्रोटेक्शन देगा ठीक है और अब बात कर लेते हैं इसके कलर कंसिस्टेंसी एंड टेक्सचर के बारे में तो इसका जो कलर है मैंने बोला था ना ये ख़त्म हो चुकी है इसका जो कलर है वो बिल्कुल वाइट कलर है मैं आपको दिखा दूँ बिल्कुल वाइट कलर है कंसिस्टेंसी या टेक्सचर की बात करूं तो इसकी कंसिस्टेंसी ना तो बहुत थिक है ना ही बहुत ज़्यादा रनी है इसका जो टेक्सचर है वो क्रीम एंड जेल के बीच वाला टेक्सचर है जैसे कि मॉइस्चराइजर का टेक्सचर होता है उस तरह का इसका टेक्सचर है ठीक है बिल्कुल भी ये स्किन पे हीवी फील नहीं होती है बहुत ही लाइट वेट है जैसे कि आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हैं आपको वैसा फील होगा ठीक है लगाते ही ये जल्दी से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है बिल्कुल अच्छे से ये स्प्रेड हो जाती है आपने देखा होगा एंड बिल्कुल भी ऑयली ग्रीजी चिपचिपा या देखा होगा आपने किसी किसी सनस्क्रीन को लगाने के बाद फेस पर बहुत ज़्यादा शाइन दिखने लगती है तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है आपको एक ये मैट फिनिश देगी लेकिन ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगी प्लस बहुत सारे लोग हैं कंप्लेन करते हैं कि कुछ सनस्क्रीन लगाने के बाद उनका जो फेस है वो ग्रे दिखने लगता है या डल दिखने लगता है तो इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एंड आप देख सकते हैं वाइट कास्ट भी इसमें बिल्कुल भी नहीं है और अब इस सनस्क्रीन को मैं अपने फेस पर भी अप्लाई करके दिखा देती इस सनस्क्रीन को ना मैंने बहुत बहुत यूज़ किया है चार पाँच महीने पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अपनी पिगमेंटेशन पर काम कर रही हूँ अगर चार पाँच महीने पहले वाली वीडियो आप उठाकर देखेंगे तो मेरे फेस पे आपको पिगमेंटेशन नजर आएगी फ्रिकल जैसे होने स्टार्ट हो गए थे छोटे छोटे डार्क स्पॉट होने स्टार्ट हो गए थे तो उसके लिए मैंने कई सारे एक्टिव भी यूज़ किए एंड उसके ऊपर ये सनस्क्रीन वंडरफुली काम करती है अगर आप पिगमेंटेशन पे काम कर रहे हैं तो इस सनस्क्रीन को अपने स्किन केयर रूटीन में ज़रूर शामिल करें मुझे ये सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड अगर आप ऐसे भी एक अच्छी सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं तो इस सनस्क्रीन को ट्राई करना मत भूलना मैं आपको बताऊं अगर आप रेगुलर बेसिस पर सनस्क्रीन यूज करते हैं ना तो आपकी 80 परसेंट नाइन प्रॉब्लम स्किन की ऐसे ही चली जाएगी क्योंकि स्किन में जो प्रॉब्लम आती है ज्यादातर सन के कॉन्टैक्ट में होने से ही आती है तो मैटर नहीं करता आप इनडोर रहते हैं आउटडोर रहते हैं बट आप सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें अच्छा जी तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी सनस्क्रीन के बारे में फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है आपको कुछ भी जानना है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगी और अगर आपको इसे ट्राई करना है तो इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं यह आपको एमेजन फ्लिपकार्ट नाइका पर्पल एंड खुद डॉक्टर सेट्स की वेबसाइट पर मिल जाएगा अगर आप डॉक्टर सेट्स की वेबसाइट से परचेज करते हैं तो स्क्रीन पर कूपोन कोड लगा दूंगी उसको अप्लाई करने के बाद आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा और आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा उसे ज़रूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मैं ना करें मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय थैंड टेक केयर